आपको चेक मिल गया, हमारे यहाँ के ही है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के शब्द अंक 10-10-21 और 20-10-21 को उत्तराखंड राज्य में आई आपदा। जरा जोर लगाओ ने थाग सर, और आपके मुख्यमंत्री भी जवान और राज्य भी जवान। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो पुष्कर सिंह धामी जी का कायल नहीं हो। अब नाम क्या क्यों उठावे, छूट गई सब। मुख्यमंत्री जी को सुनना है क्या क्या कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं और क्या क्या हम दे रहे हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ों पर भारत के जहाज चलते हैं, भोग विलास के लिए नहीं आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे नेता हो, हमारे विधायक हो, हमारा जिला पंचायत हो, या हमारे कोई भी यहाँ पर बैठे मेयर हो, प्रतीक में आप शीघ्रता के साथ यार हेलो यार हेलो बोलने आ नहीं क्या ठीक क्या रहा है। अरे भुट्टा, अरे यार हटाया था हमने, हम दिक्कत हो रही है। आशीर्वाद के बाद नीचे बैठ के बना ले। हिमताल, हल्द्वानी, रामनगर, बेताल घाट, कोटाबाज, रामगढ़, तुखल कांडा, धारी, सभी कार्यकर्ताओं को कृतार्थ करेंगे। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। इस शुभ अवसर पर हमारे धारी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, कभी वो एंगल बना रहे, कभी इधर बना रहे, कभी उधर बना रहे, मेरे सभी पत्रकार भाई बस इस कार्यक्रम में। रोजगार मेला का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के आए हैं, भी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम खरीदार हैं, ले रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, जैसे बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी मैं हूँ यहाँ आम्रपाली होटल के पास। यह आम्रपाली होटल है, फूड फेस्टिवल वगैरह है, ये नैनीताल रोड में देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत जबरदस्त जाम लग गया, क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी। देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा, बहुत भव्य तरीके का जाम लग गया। हर बार यही होता है, जब भी कोई बड़े नेता आते हैं तो ये रोटू का यूं ही हाल बना रहता है। देख सकते हैं आप, हर 100 मीटर या 200 मीटर में पुलिस वाले खड़े हैं। इस तरह का नज़ारा है यहाँ हल्द्वानी का। आज टाइम था 12:30 बजे का शायद हो पीएम जी के आने का, मगर अभी तक नहीं आए हैं। तो ऐसी क्या करें, जाना पड़ेगा, रॉन्ग रोड से जाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। देख सकते हैं आप नैनीताल रोड में जाम का ये हाल है। वन वे चल रहा है यहाँ से। मेरे साथ है चंदू, मेरा फ्रेंड है, पिछले वीडियो में भी देखा होगा आपने, बोला पार का चंदू है। देख सकते हैं आप ड्राइविंग कर रहे हैं, बाकी आराम आराम से चलना चाहते। इंडिकेटर जला लेना अपना, इंडिकेटर जला दे रहा, चला ठीक है, आराम आराम से चलते रहे। ये देवासी होटल है, देख सकते हैं आप। बाकी का नज़ारा मैं आपको दिखा ही रहा हूँ आगे का। पूरा जाम है, पूरा जाम दोस्तों, पूरा जाम, पूरा नैनीताल रोड जाम है, ये चल रहा है, ये हाल है। देख सकते हैं आप यहाँ लेन का एक नया हो गया। तो आगे बढ़ते हुए सौरभ होटल के सामने पहुँच चुके हैं। यार यहाँ से ले ले, मेरे को लग रहा है यहाँ से हम चले जाएंगे अपनी साइड से, है ना। अब आवाज़ तो निकाल, मुंह बंद हो गया तेरा। हाँ फिर आवाज़ ही तो नहीं आ रही है कैमरे में, नाराज क्यों हो रहा मेरा भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हाल है हमारे उत्तराखंड का, बहुत जाम है भाई, बहुत जाम, बहुत जाम। और यहाँ है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। हाँ यहाँ से राइट ले ले यार, यहाँ से सही रहेगा, शॉर्ट पड़ेगा। रोड का ये हाल है, तो हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, जो कि ये रिलायंस मॉल के बगल से कटता है, यहाँ से हम शॉर्ट के रास्ते निकल लेंगे। आराम से निकाल भाई, आराम से निकाल, अब चलना ही रहेगा, हाथ ही रखा मैंने। आराम से भाई, आराम से भाई,
तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने मार लिया शॉट, अब हम पहुंच जाएंगे सबसे आगे अपनी मंजिल तक। बने रहिए, देखते रहिए प्रेम उत्तराखंडी। तो दोस्तों हम चले, सही हो आप तो कैमरे में आ ही नहीं रहे हो। स्टेडियम नहीं चल रहे हो हल्द्वानी, वधेपुरा के स्टेडियम में सीएम साहब आए हैं मुख्यमंत्री जी, चल रहे हो? थोड़ा शूट करके लाएंगे, चलो बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि हम मम्मी से पूछेंगे, मम्मी उनको भेजेंगे नहीं, मम्मी पूछा हम अकेले ही चले जाते हैं। बाकी यहाँ पे मंदिर भी है, देवी माँ का मंदिर, यहाँ से हम आगे निकलते हैं। दोस्तों स्टेडियम के पास तो मैं पहुँच चुका हूँ, अब देखो मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक है। पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, टिकट आगे से हल्द्वानी की पुलिस एकदम मुस्तैद है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ, स्टेडियम यहाँ पे कुछ यूँ नज़ारा है, देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़। जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया और बचाव और राहत कार्य के लिए हमारी पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ का विशेष योगदान रहा। इन प्रशस्ति पत्र के वितरण के समय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के शब्द कि आप द्वारा दिनांक 10/10/21 और 20/10/21 को उत्तराखंड राज्य में आई आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया गया, इस साहसपूर्ण कार्य के लिए पूरा उत्तराखंड राज्य आपका आभारी है, इस महान कार्य के लिए मैं आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान करता हूँ। माननीय का कहना है कि आपको प्रशस्ति पत्र देते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ तथा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बस कुछ ही क्षणों में माननीय अजय भट्ट जी अपना स्नेह आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे, जबकि नामों के सूची में डीएफओ नैनीताल, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग खटीमा हल्द्वानी, लोक निर्माण विभाग हवाली एवं टीम, इसके अतिरिक्त जिला कोर्ट अधिकारी अधिशासी अभियंता जी। ये इन्हें सम्मानित किया जाएगा। माननीय अजय भट्ट जी अपने संबोधन से हमें कृतार्थ कर रहे हैं। भारत माता की, जरा जोर लगाओ थे थाक सा, भारत माता की, शाबाश बच्चों ने दिखाया जोश, एक बार और भारत माता की। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज इतना बड़ा रोजगार मेला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगाया गया है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य भी 21 साल को होने को जा रहा है और आपके मुख्यमंत्री भी जवान और राज्य भी जवान, और जवान के साथ साथ बहुत ही विनम्र, डाउन टू अर्थ जो युवक लोग हैं, मेरे बहुत सारी बेटे बेटियां बैठी हैं, जवान दोस्त बैठे हैं, अगर विनम्रता की प्रतिमूर्ति, न्यायप्रियता, डेडिकेशन, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति किसी को देखना है तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी से सीखना चाहिए कि किस तरह से आदमी आगे बढ़ता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहने के बाद देश के कोने कोने में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहने के बाद आपने भ्रमण किया और आज देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो पुष्कर सिंह धामी जी का कायल नहीं हो और युवक जिनका उदाहरण नहीं देते हो। ये बहुत कम अवसर हुए हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतनी परिपक्व नेतृत्व हमको मिला हो, इसलिए मैं पूरे प्रदेश की ओर से और आज के शुभ दिन पर पुष्कर धामी जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि प्रभु आपको जो आपके अंदर मजबूती है, जो आपके अंदर त्याग है, जो आपके अंदर लगन है, जो आपके अंदर सेवा की भावना है, ये भावना को और मजबूत करे। माताओं बहनों के कभी आप पैर छू लेते हैं, जवानों के गले लग जाते हैं, क्या उत्साह है आज यहाँ पर देखने को ही मिलता है। जहां भी आप जा रहे हैं पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, ये ईश्वर की कृपा भी है। कभी कभी भटक जाते हैं इस उम्र में, गलत कामों में पड़ जाते हैं, गलत कारोबार और धंधे में पड़ जाते हैं, लेकिन जनता की सेवा का संकल्प इस उम्र में ले लिया तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। ये प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, प्रभु आपको और ताकत दे और मजबूती से सेवा करें। मित्रों, यहां के नगर के प्रथम व्यक्ति यहां पर बैठे हैं हमारे मेयर साहब योगेंद्र जी और मेरे बड़े भाई बंसीधर जी कैबिनेट मंत्री हैं, आप सब जानते हैं, और हमारे बड़े भाई नवीन दा यहाँ पर बैठे हैं एमएलए, दीवानदा एमएलए, और जिले की प्रथम नागरिक बेला तोलिया जी, हमारे प्रभारी जी पुष्कर जी, और साथ में उनके उपाध्यक्ष आनंद जी, दान सिंह जी, डीसीबी के चेयरमैन हमारे रावत जी, अमित जी, अब नाम क्या कह लूं, उठावे छूट गई सब, राकेश जी देख रहे, दिनेश जी देख रहे, बहुत लोग देख रहे, क्षमा करना, और दीपक जी हमारे दूसरे, राजन जी जो प्रभारी है, राजेश जी, सारे लोग, अनिल जी, अब माफ करना। और अभी आप जा क्यों रहे हैं, अभी आपको मुख्यमंत्री जी को सुनना है क्या क्या, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं और क्या क्या हम दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको आज मुख्यमंत्री जी बताने वाले हैं। और युवकों के लिए विशेषकर रोजगार के कैसे अवसर है, आप पढ़ाई भी करिए, घर में बैठे रोजगार भी करिए, ये सारी चीजें आने वाली हैं। बचाव कार्यों में एनडीआरएफ कर्नल आशीष जायसवाल, कमांडिंग ऑफिसर डोगरा, एनडीआरएफ के अन्य यहाँ पर जवान सब लोग यहाँ पर जितने भी हैं, कुमारी शीतल हमारी बच्ची, शिवांश साहब, बहुत लोग अभी आए हैं। अब मैं नाम न लेते हुए मेरी माताओं बहनों, मेरे बच्चों, मंच पर जितने लोग हैं जिनका नाम छूट गया है, चिंता मत करना, दिल में नाम है आपका, जल्दी हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आपको सुनना बहुत आवश्यक है। मेघादि मीन पर्यंत 12 राशि के लोग, यहाँ के जिले के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हमारे अधिकारी, मेरी मातृशक्ति, जितनी बहने हैं, जितने भी सरकारी लोगों ने आज रोजगार देने के लिए यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अभी धामी जी आपको बताएंगे कि क्या क्या काम सरकार ने क्या क्या यहाँ पर कर दिया है। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, कुछ चीजें आपको भी पता नहीं होंगी, मुझको भी पता नहीं थी, मैं जब से रक्षा राज्य मंत्री बना तब से मुझे कई चीजों में दौरा कर रहा हूं देश का, तो पता लगता है।
सारी स्टेट में आज हमारा ऐसा नेतृत्व मिला है। एक एक बात यहाँ पर आपको बता रहे हैं और अभी आप जाइए मत, कभी वंचित हो जाएंगे ज्ञान से आप। सबसे ऊंची चोटी पर जो मोटर सड़क हमने पहुंचाई, अगर मैं पूछूंगा कहाँ है, जीके में आएगा आपके, नोट करिए सब, ओम लिंगला 19,300 फीट, विश्व की सबसे बड़ी चोटी लद्दाख में हमने मोटर पहुंचा दी है, मोटर की रोड बना दी है, सामने से चाइना, इधर से आपका देश। ये मोदी जी के करिश्मा देखिएगा उनके हाथों का, किस तरह से उन्होंने यहां पहुंचा दिया है। और सबसे ऊंचे पहाड़ों पर भारत के जहाज चलते हैं, और विश्व में इतने बड़े पहाड़ हिमालयाज नहीं है। मैं बच्चों के लिए भी कह रहा हूं, जनता के लिए भी कह रहा हूं, ऐसे ऊपर नदी बहेगी और उसके पाताल में सुरंग खोदकर ट्रेन भी जाएगी, गाड़ी भी जाएगी, जिससे पूरा उत्तरोत्तर भारत जुड़ जाएगा और तवांग तक हम चाइना बॉर्डर तक जुड़ जाएंगे। कितना बड़ा काम हम कर रहे हैं। अगली बार मेरी माताओं बहनों सोनी लेके बात छू सब सुन बे जया, जो कोनी कैलाश मानसरोवर में नह गई, यानी कि जो कैलाश मानसरोवर चले गया उसको मुक्ति मिल गई, उसको मोक्ष मिल गया, उसके पाप कट गए, उसकी बीमारियां खत्म हो गई, तो कैलाश मानसरोवर में अब आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, हल्द्वानी से, रुद्रपुर से, या उत्तराखंड के किसी कोने से। मैं 10 दिन पहले वहां पर सिर्फ महोत्सव मना कर आया हूं, पहली बार शिव महोत्सव हुआ है और हमारी रोड पूरी की पूरी वहां तक चले गई है। और वहां पर अब आप अपनी कार ले जाइए और लिपू लेक पर कार खड़ी करिए, सामने से चीन की सड़क है, उस सड़क पर जाइए और उससे वहां गाड़ी तैयार मिलेगी, डुबकी लगाइए। जो एक दिन की यात्रा होती थी, अब मोदी जी के नेतृत्व में आप एक दिन में, जो एक महीने की यात्रा थी, एक दिन में मानसरोवर जाके आप लौट सकते हैं। यहां किसी को उम्मीद नहीं होगी, किसी को उम्मीद नहीं होगी कि इतना बड़ा काम इस देश में हो जाएगा। जब ये बात कर रहे थे मुझे मजाक लगती थी, मैं खुद जाके आया हूं आज 10 दिन पहले। अभी अभी सरकार ने डामरीकरण के लिए भी 60 करोड़ रुपए दे दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग करी थी, ये मांग करते हैं, ये प्रपोजल देते हैं, मैं खिजोरा खिजोर कर देता हूं वहां पर, खरोड़ा खरोड़, तो इस तरह से धनराशि हमारे पास आ रही है, चहुमुखी उन्नति हो रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपने मांग करी है, अभी एक से एक प्रोजेक्ट आने हैं। और अटल टनल हमने खोदी, पुरानी सरकार ने काम चालू नहीं किया, अटल टनल हिमाचल में, आज हम उससे लद्दाख तक जुड़ गए हैं। कितना पैसा बच रहा है पता है? ये भी जनरल नॉलेज है बच्चों, नोट करना चाहिए, एक दिन का 7 करोड़ रुपए हम सिर्फ सेना से बचा रहे हैं। जा ही नहीं सकते थे, 6 महीने बंद रहता था, बर्फ पड़ी रहती थी, मौसम खुले तो वहां अनाज डाल दिया सैनिकों के लिए, वहां के लोगों के लिए, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। आज अटल जी ने जो काम किया, जिसको रोक दिया था, मोदी जी ने आते ही प्रारंभ किया, आज 7 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। 12 महीने वहां पर आज हमारी आवत जावत टनल से बनी हुई है, सीमाएं आज चौकस है, 4 चौबंद है, किसी की हिम्मत नहीं है देश की तरफ आंख उठा के देखे। हम मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग सुरक्षित हैं, देश मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश धामी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। आज हर तरफ से एक एक काम हो रहा है। आपने देखा हमारे रक्षा मंत्री आए, उन्होंने बयान दिया कि अंतिम ओवर में अच्छे खिलाड़ी को भेजा है, किसको भेजा है? धामी जी को, और ये धाकड़ बल्लेबाज हैं, धड़ाधड़ रन बनाएंगे और हमको जीत दिलाएंगे, और आज हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए जो युवा लोग हैं सबक ले, आप में बहुत बड़ी शक्ति है, शाबाश, खड़े उठ के बच्चे स्वागत कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा युवा नेतृत्व है, ये आगे ले जाएगा, पीठ थपथपाई, आपने टेलीविजन में देखा होगा। जब अभी प्रधानमंत्री जी केदार में आए थे 2013 में, जिस समय में नेता प्रतिपक्ष था,
केदार तहस नहस हो गया था, जो उस समय ड्यूटी में होंगे पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी उनको पता होगा, आज चमचमा रहा है केदार। और आपने देखा आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया, किसी को पता भी नहीं होगा, जब गाड़ी नहीं थी, जब ट्रेन नहीं थी, जब कोई साधन नहीं था, उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चार धामों की रचना कर दी हमारे यहाँ पर। और यहाँ आकर उन्होंने, आपको पता है केदारपुरी में यहाँ उनकी समाधि थी, आज विश्व ने जाना, हमारे इतिहास ने जाना, आखिर आदि गुरु शंकराचार्य कौन थे, कैसे आए, इतने बड़े मंदिर वहां पर कैसे बने। आपने देखा वहां धामी जी की पीठ थपथपाई, उससे पहले जब आए थे धामी जी की पीठ थपथपाई, हमारे गृह मंत्री आए थे जब आपदा आई, रात में 1:30 बजे रात चल के आए, हम लोग सब थे। और जब मीटिंग ली तो मीटिंग में कहा कि धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो चाहिए वो देंगे हम आपको, 250 करोड़ रुपए 20 दिन पहले दिया था, कहा इसे खर्च करो, इसके बाद मैं सारा पैसा और दे दूंगा उत्तराखंड के लिए, जो करना है उसे पीछे मत जाइए। ऐसे नेतृत्व पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व आज विश्वास कर रहा है, कितनी बड़ी बात है आप सब जानते हैं। मित्रों, आपदा आई, धामी जी सुबह 6 बजे निकल गए, मैं 6 बजे निकल गया, दिन में हेलीकॉप्टर मिलिट्री के आगे, रानीखेत से फौज मंगा दी, जिलाधिकारी नैनीताल से मेरी बात हुई, मोदी जी से बात हुई, मोदी जी ने मुश्किल से 20 मिनट के अंदर यहाँ हेलीकॉप्टर भेज दिए। कितना प्यार करते हैं उत्तराखंड को, और बार बार धामी जी से बात करते रहे। इतना ही नहीं, और अमित शाह जी गुजरात में थे, 1:30 बजे रात देहरादून आए और दूसरे दिन पूरा एरियल सर्वे किया। एक दिन पहले मैं, मुख्यमंत्री जी, हम लोग एरियल सर्वे करके आए थे। आज भी जगह जगह टूट हो रही, फूट हो रही, कई जगह गांव में अभी जाने में परेशानी है, उसका एक एक का इंतजाम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं अधिक बोल दे रहा हूं क्योंकि इतना बोलना बहुत आवश्यक था। मैं एक चीज और बोलता हूं बच्चों के लिए, कितने लोग जसवंत सिंह को जानते हैं, कोई हाथ खड़ा करो। एक सैनिक था, एक या दो लोग, तीन लोग, चार लोग, इससे ज्यादा जसवंत सिंह को नहीं जानते हैं। कौन था जसवंत सिंह, इसको सुनिए। जसवंतगढ़ है आपका कहां, तवांग में, मैं वहां गया था, अभी झंडा फहराया मैंने। ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम कैसे लोग हैं। जसवंत सिंह वो व्यक्ति है जिसने 300 सैनिकों को अलग मार के गिरा दिया, चीन के अकेले मार के गिरा दिया। और चाइना वाले जब परेशान हो गए, उन्होंने जासूसी करी कि कितने लोग हैं, एक यहाँ पर बंकर, एक यहाँ पर बंकर, एक वहां पर बंकर, वो क्राउलिंग करके जाते थे, धक 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 गोली वहां से चलाई, धक 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 गोली यहाँ से चलाई, धक 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 गोली वहां से चलाई। 3 दिन तक, 72 घंटे तक उनकी लड़ाई चली। और जब पता चला कि अकेला व्यक्ति है, चारों तरफ सब घेरा, उन पर गोली मारी, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी जीवटता का परिचय दिया कि उत्तराखंड के लोग और भारत के लोग किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। जब उनको लग गई, उन्होंने फिर भी गिराया, और बाद में गिर गए तो तार से फांसी दे दी उनकी। इतने ही में नहीं माने, और उनकी गर्दन काट के चाइना की फौज ले गई। आज वो टूरिस्ट प्लेस है हमारा जसवंतगढ़ तवांग में। मित्रों, चाइना के लोगों ने बाद में उनका सर बना के दिया कासे का कि हम भारत की भूमि को नमन करते हैं, भारत के लोगों को नमन करते हैं कि जसवंत सिंह ने अकेले हमारे 300 लोगों को गिरा दिया। 300 लोगों को गिरा दिया, ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। इसलिए ये सारी चीजें जानने की हैं, इन सारी बातों पर हमको अमल करना है। और यहां अभी मैं एम्स की जो हमारी सैटेलाइट शाखा खुली है उत्तराखंड में दूसरी, इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री रात दिन लगे रहे, हल्का फुल्का खरोच फरोच मैंने करी, और उसके बाद सारे लोग लगे, और आज देख लीजिएगा एक एम्स जो मिल नहीं रहा था स्पेशल कैटेगराइज में, उत्तराखंड में हम खींच के लेके आए हैं, आप सब जानते हैं। कौशल प्रवास विभाग सशक्तिकरण, अब किसी सूरदास व्यक्ति को, जो कोई बोल नहीं सकता है वो व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं। 60-70 करोड़ से लेकर 100 करोड़ का एक यहाँ पर सेंटर स्वीकृत हो रहा है हमारे इसी क्षेत्र में। इस क्षेत्र का मतलब मेरा है इस कमिश्नरी के अंतर्गत,
वो भी यथाशीघ्र हमारे पास आने वाला है। बनभूलपुरा रेल फाटक के ऊपर से क्रॉसिंग हम लोग बना रहे हैं ताकि जो परेशानी होगी उसका भी अभी हमारा प्रस्ताव वहां से चल पड़ा है। तो एक के बाद एक काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको पता होगा उत्तराखंड में गीतांजलि लिखी उन्होंने और उनको विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, आप ये भी जानते होंगे। टैगोर टॉप यहीं पर है। माननीय प्रधानी क्षेत्र आज ऐसा छूटा नहीं है। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे, आप आराम से बैठिए और जो भी काम होगा हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए बने हैं। हम भोग विलास के लिए नहीं आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे नेता हो, हमारे विधायक हो, हमारा जिला पंचायत हो, या हमारे कोई भी यहाँ पर बैठे मेयर हो, या छोटे कार्यकर्ता हो, बड़े कार्यकर्ता हो, हम भोग विलास के लिए नहीं, सेवा के लिए आए हैं और सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, यह हमारा संकल्प है। इतना ही कह के मैं शुभकामना देते हुए आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। इससे पहले कि माननीय अपना आशीर्वाद दें, केवल 2-2.5 मिनट का कर्तव्य निर्वहन हमने करना है, आप अनुमति प्रदान करेंगे। स्वयं सहायता समूह के 40 क्लस्टर्स की टीमों को एक बहुत ही प्रतीक रूप में चेक माननीय के कर कमलों से वितरित हो रहे हैं और साथ ही ये बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे निर्देशित किया गया है कि मेयर नगर निगम हल्द्वानी की ओर से एक सम्मान प्रतीक माननीय को भेंट किया जा रहा है, साथ ही धारचूला के रंग समाज और जौहर के शौका समाज की बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं और इसी के साथ दर घर घर पेड़ संस्था के तन्मय रावत, श्रीमती विजया लक्ष्मी, विशाल नेगी और प्रमोद बोरा जी को सम्मान किया जा रहा है। तो ये सभी बहनें एक साथ भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर, बेतालघाट, कोटाबाग, रामगढ़, ओखलकाडा, धारी, ये 40 क्लस्टर्स की टीमों को एक साथ सम्मानित किया जा रहा प्रतीक में आप आएंगे। शीघ्रता के साथ हमारी शौका और रंग समाज की बहनें जो सुबह से प्रतीक्षा कर रही हैं मंच पर आकर एक पुष्प गुच्छ माननीय को भेंट करना चाहते हैं। कार्यक्रम बहुत प्रलंब सूची है लेकिन देखिए एक बार फिर से हमारा स्टेडियम खचाखच भर चुका है, बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं और इसके तुरंत बाद माननीय का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। अरे हम भी अंदर आ जाए क्या? अरे अरे यार, हेलो हेलो यार, हेलो अंदर आ जाए क्या? क्या आ रहा है? अरे भुत्ता, अरे यार इन्हें हटाया था, हम भी खाली दिक्कत हो रही यार। शीघ्रता के साथ बस इस कार्य को संपन्न करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद हमें मिलेगा और उसके पश्चात प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए माननीय हमें कुछ समय देंगे अपने आशीर्वाद के बाद। हम आया थे अंदर और नीचे बैठ के बना ले, ओए ओए नीचे हम अंदर। अरे तो बस इस कार्यक्रम के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। बस प्रतीक रूप में एक समूह को माननीय भेंट करेंगे और बाकी फोटोग्राफ सभी का एक साथ दिखाई दे रहा है। आज सुबह से लोग हमारे मध्य बैठे हुए हैं। चलो अंदर, चलो अंदर। अरे भैया हट जा। भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर, बेतालघाट, कोटाबाग, रामगढ़, उखलकांडा, धारी, इन 8 ब्लॉक्स के स्वयं सहायता समूहों को एक बहुत बड़ी मदद 40 क्लस्टर्स की टीमों को चेक वितरित किए जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद माननीय अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करेंगे।
हो गया सही है। मेरा श्रीमान विनीत अग्रवाल जी मंडल अध्यक्ष हल्द्वानी, श्रीमान देवी दयाल जी मंडल अध्यक्ष हल्द्वानी उत्तरी, आपसे निवेदन है कि पुष्पगुच्छ देखा इधर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अपने श्रीमान योगेश अजवार जी युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ वो भी तैयार रहे। अब आगे तो हटो मुझे निर्देशित किया गया है कि वात्सल्य योजना के जो लाभार्थी हैं वो भी मंच पर कृष्णा आर्या, हर्षिता आर्या, रजत जोशी, लाभांशी और वृंदा सिंह। कोरोना के दौरान इन्होंने अपने अभिभावक हुए हैं और रंग समाज के लोग केवल एक फोटोग्राफ के लिए शीघ्र आएंगे। सबका मन है कि मानने के साथ वो उपस्थित हों और बस आपके मान सम्मान को हम समझते हैं, कृपया शीघ्र बस अब इसके बाद लाभार्थी शीघ्र पहुंचेंगे और वात्सल्य योजना के लाभार्थी जो हैं उन्हें भी चेक वितरित किए जा रहे हैं। जी कृष्णा, हर्षिता, रजत जोशी, लाभांशी और वृंदा। मुझे श्री ध्रुव रौतेला जी ने एक बार निर्देशित किया है कि वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर लिया गया है। कृष्णा आर्या, हर्षिता आर्या, रजत जोशी, लाभांशी और वृंदा सिंह सहकारिता विभाग की ओर से। इनके माता पिता कोविड में इन्होंने खोए हैं तो सरकार इन्हें गोद लेकर इनका सम्मान कर रही है इनके पालन पोषण के लिए। ऐसी हवा निकलेगी नहीं देखिए जैसे निकला ना। स्टेज में जो थोड़ा भीड़ है उनसे प्रार्थना है कि आवश्यक जो निर्देश आप दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने स्नेह आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करने जा रहे हैं। आप एक रोल मॉडल है हमारे कृषक पुत्र के रूप में, सैनिक पुत्र के रूप में। बस उनसे प्रार्थना है कि कृपया अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। श्री मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, अपना आशीर्वचन देकर सभी कार्यकर्ताओं को कृतार्थ करेंगे। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, 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 आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। मैं कि वो अपने ओजस्वी भाषण से हम सभी कार्यकर्ताओं को कृतार्थ करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हाँ आप सही है, थोड़ा इधर को बहुत सही, ओ काकी इधर आपके प्रतीक्षा की घड़ियां संपन्न हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब हम सबको अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करने जा रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हम माननीय का स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार मेरे साथ सब लोग नारा लगाएंगे। अरे दिखाओ, इधर दिखाओ। भारत माता की, भारत माता की, पुत्र
उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। राज्य स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नैनीताल जनपद के जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप बिष्ट जी और अभी हम सब जिनका संबोधन सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और यहाँ के जन जन से जिनका नाता है, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय बंशीधर भगत जी, हमारे रामनगर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, हमारे लालकुआ क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय नवीन दुमका जी, हमारे धारी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बेला टोलिया जी, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय दान सिंह रावत जी, पूर्व मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंद सिंह बिष्ट जी, मेयर हमारे इस क्षेत्र के जो लगातार आप सब की इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। मेयर के रूप में यहाँ पर जितनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और देहरादून में भी लगातार मेरे पास हो या शासन में हो, लगातार पैरवी करते हैं, आप सबके पैरोकार बनकर काम करते हैं। भाई डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई प्रकाश रावत जी, प्रदेश मंत्री भाई पुष्कर काला जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, वरिष्ठ नेता दीपक मेहरा जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई आनंद धर्मवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रकाश हरबोला जी, भाई अनिल डब्बू जी, प्रमुख रूपा देवी जी, राकेश नैनवाल जी, भाई शंकर कोरंगा जी, जसपाल सिंह कोहली जी, संचालन करने वाले भाई प्रदीप जनोटी जी, हेमंत जी, कमल नयन जोशी जी, और मंच पर विराजमान, अब चूंकि मैं सबका नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, आयुक्त कुमाऊं मंडल, डीआईजी, जिले के समस्त अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित युवा शक्ति, मातृ शक्ति, और मैं देख रहा हूं कि काफी देर से, मुझे लगता है कि कितने 10 बजे लगभग आ गए होंगे, सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी सुंदर कार्यक्रम करने वाले सभी प्रतिभागीगण, दूर दूर से स्टॉल लगाकर इस कार्यक्रम में आए प्रतिभागी, और काफी देर से जिनको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है मेरे सामने से, मैं देख रहा हूं कभी वो एंगल बना रहे हैं, कभी इधर बना रहे हैं, कभी उधर बना रहे हैं। मेरे सभी पत्रकार भाई, छायाकार बंधु जो सुबह से ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और सभी आए हुए दूर दूर से, अभी मैं देख रहा हूँ सेना के लोग भी हैं, हमारे अवस्थी जी भी हैं, जसपाल जी भी हैं, एनडीआरएफ वाले भी हैं, एसटीआरएफ वाले भी हैं, और दूर से यहां से लेकर धारचूला तक के आए हुए हमारी सभी भाई, सभी बहन, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग उपस्थित, सभी नौजवान साथी, मैं सबसे पहले तो आज कल ही हमारे प्रदेश को बने हुए 21 वर्ष पूरे हुए हैं, और 21 वर्ष पूरे होने पर मैं सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के निर्माण में जिन्होंने हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है, अपने प्राणों का भी बलिदान दिया, अपनी शहादत दी, उन आंदोलनकारियों को, उन शहीदों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहता हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वहीं और दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर हमारी परीक्षाएं लेती रहती हैं। पिछले दिनों हमारे इस नैनीताल जनपद में
हमारे चंपावत जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, इस पूरे मंडल में और हमारे चमोली जनपद के भी एक डुमरी गांव में सभी हमारे बीच से हमारे प्रियजन हम सबको छोड़कर चले गए। मैं उन सभी को, सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके पारिवारिक जनों को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पिछले दिनों जब आपदा आई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उनका तत्काल मुझे फोन आया, सवेरे 9 बजे उनका फोन आया और उन्होंने पूछा कि आपदा की स्थिति कैसी है, कितना वहां पर नुकसान हुआ है, किस प्रकार की आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि हमने 2 दिन से लगातार, जब से हमें पूर्वानुमान हुआ था कि आपदा आने वाली है, सारे आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को हमने इस काम में लगा दिया है, सारे जिलों को अलर्ट कर दिया है, सारे तीर्थयात्री, हमारे पर्यटक, श्रद्धालु जो भी प्रदेश के अंदर आए हुए हैं उन सभी से हमने अनुरोध किया है कि आप लोग एक दिन यात्रा मत करिए। सभी जिलाधिकारियों को हमने कहा कि स्कूल बंद कर दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का जान का जोखिम न उठाना पड़े। यात्रियों की यात्रा इसलिए रोक दी गई कि उनको किसी प्रकार की परेशानी में उनको दो चार न होना पड़े। उसका परिणाम ये हुआ कि 1.5 लाख पर्यटक और श्रद्धालु पूरे देश भर से उत्तराखंड के अंदर आए हुए थे, एक की भी कैजुअल्टी नहीं हुई, सारे के सारे सुरक्षित वापस गए। प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया कि इस समय में, क्योंकि हमारे जो राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर हैं जो आपदा में हमने 2 लगा रखे हैं, 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा कि आने वाले समय में ये उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनेगा। इसके साथ साथ उन्होंने 2025 को लेकर भी हमारे प्रदेश के लिए विजन रखा है। आज हम 21 वर्ष पूरे कर रहे हैं, जब हम 25 वर्ष का समय पूरा करेंगे, जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा तो ये चिर युवा उत्तराखंड होगा और हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, सिल्वर जयंती वर्ष मना रहे होंगे। तब हर प्रकार से हमने उत्तराखंड के लिए एक विजन रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे उत्तराखंड के लिए एक अपना विजन दिया है कि आने वाले समय में जो हमने विकास की गति पकड़ी है उसको हम पूर्ण रूप से गतिमान रखेंगे और उत्तराखंड को एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करेंगे जो हर क्षेत्र में होगा। आज हम जब अपने जीवन के 21वें वर्ष में था, अपने भविष्य और राष्ट्र के लिए सपने देखता था, उसी तरह आज मैं अपने प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में सभी के 21 वर्ष के युवा उत्तराखंड के सपने देख रहा हूं। मैं ऐसे युवा उत्तराखंड का सपना देख रहा हूं जहां सभी लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, मंगल के साक्षी बने, किसी को दुख का भागी न बनना पड़े। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे 4 जुलाई 2021 को जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो बहुत सारे हमारे कर्मचारी संगठन, हमारी आशाओं बहनों के संगठन, हमारे आंगनबाड़ियों के बहनों के संगठन, हमारे ग्राम प्रधानों के संगठन, उपनल कर्मचारियों के संगठन, हमारे सरकारी कर्मचारियों के संगठन, बिजली कर्मचारियों के संगठन, सारे के सारे संगठन, चुनाव आने वाला है तो सभी को यही उम्मीद थी कि इन्हीं वर्षों में और इन्हीं महीनों में हमारी सारी मांगे पूरी होंगी। मैंने कहा आपसे, मैंने सभी से कहा कि हमारी सरकार सबके लिए रास्ता निकालेगी, एक एक करके। तो दोस्तों आगे जो स्टॉल लगे वहां पे जा रहे हैं, हम देखते हैं कहां पे क्या है। इतनी पब्लिक तो साफ हो गई यहां से। मैंने उनसे पूछा रोजगार मेला, तो रोजगार मेला का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, है रोजगार मेला हल्द्वानी। तो चलते हैं रोजगार मेला हल्द्वानी पे, वहाँ सीएम जी के
लेक्चर हो रहे हैं, तो हम यहाँ आपको ये दिखा देते हैं सुनते हुए कि आप हमारी समस्याओं को आप लगातार हमारी समस्याओं को उठाते रहते हैं, उठाते रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं मैम, क्या कहा आपने? क्या क्या बताया आपने? जी हम ये संदन हमारे दोस्त करके मुझे। अच्छा 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 अच्छा, आप भी इसमें? हाँ सर, हम खरीदार हैं, ले रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, गैस वैस की बीमारी नहीं होती है इससे। कितने का ये पाउच एक? अच्छा 20 रुपीज। ये राज्य बनने के बाद बहुत अच्छी पहल है हमारे उत्तराखंड के नैनीताल जिले के। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा ये वाला ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लग रहे हैं दोस्तों। आप भी आइए कभी इनसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में पूरा कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस पूरा दे दूंगा। नाम से इंस्टाग्राम में आईडी है। किस नाम से? बुआ जी मशरूम। अच्छा बुआ जी मशरूम, ठीक है ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे को। तो ये है सगुन स्वयं सहायता समूह मोटालदो विकास खंड। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, किस चीज का प्रोडक्ट है, क्या क्या देते हो आप? बढ़िया है, जैम जली अचार मुरब्बा है। अच्छा बढ़िया है, मंगोड़िया यहाँ पे स्क्वाश वगैरह है। प्रोडक्ट कहाँ का है ये? सगुन स्वयं सहायता समूह मोटालदो। मोटालदो का पीछे तो इधर कैंची धाम की फोटो लगी है, है? गवर्नमेंट ने डेकोरेट किया है। अच्छा गवर्नमेंट ने कही है डेकोरेट, अच्छी बात है, सही है, बढ़िया है। देख सकते हैं दोस्तों एक से एक प्रोडक्ट हैं। बाकी इनका ये देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, सगुन स्वयं सहायता समूह मोटालदो विकास खंड हल्द्वानी नैनीताल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये स्टॉल खाली है। रामगढ़ वाले हो क्या? मैं वहीं का हूँ। रुक जाओ हाँ, काफली सूपी काफली। अच्छा आपको चेक मिल गया, थोड़ा शीतल आजीविका स्वयं सहायता समूह ग्राम नथवा खान तल्ला टांडा विकास खंड रामगढ़ नैनीताल उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ के ही हैं, मैं खुद ही रामगढ़ ब्लॉक का हूँ, देख सकते हैं आपको पता ही है। बाकी हमारे यहाँ के लोगों का प्रोडक्ट देखिए आप, एक से एक जबरदस्त। तो सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनको 31,64,356 का चेक दिया हुआ है, देख सकते हैं आप 31,64,356 ओनली, ब्लॉक रामगढ़ 279SHG। तो बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, हमारे यहाँ के लोगों को इतना अच्छा सम्मान मिला जा रहा है। हमारे सीएम माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। आप बता सकते हैं आप कौन से गांव से हो? नथवा खान से। आप नथवा खान से, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपा लुधियाल। दीपा लुधियाल जी ये आपका नाम? मेरा नाम प्रेमा देवी है, मैं नोएडा गांव से हूँ। अच्छा थोड़ा सा जोर से बोल दीजिएगा आपका नाम। मेरा नाम आनंदी हरनौल है, मैं रामगढ़ ब्लॉक बोहराकोट। अच्छा धन्यवाद आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा मैम आपका। मेरा नाम सपना नागी है, मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर हूँ। अच्छा मैं चित्रकूट की रहने वाली हूँ। अच्छा मैम आप? मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं ग्राम नथोकान की रहने वाली हूँ। चलो आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं भी वहीं का हूँ रामगढ़ ब्लॉक का, सूपी गांव सुना होगा आपने, सूपी काफली तोप में रहता हूँ दोस्तों। बाकी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ अपने यहाँ के,
देख सकते हैं आप एक से एक प्रोडक्ट। नाम क्या हुआ इसका? ब्रास का ऑर्डर है ये। अच्छा, ये ब्रास का प्रोडक्ट है सर। ये रामा तुलसी, ये रोज मेरी है, ये जो हमारे खेतों में भी उगती है, इसके बारे में मैंने आपको दिखाया है। और हाँ, ये हर्बल टी है हिमालयन, ये भी मैंने देखा हुआ है, जो मैंने टैरी फार्म में आपको सारा दिखा सकता हूँ, जो हमारे यहाँ के करखोरी धार में टैरी फार्म है, कुमाऊंवाड़ी रेडियो स्टेशन जहाँ पे है, कुमाऊंवाड़ी में सारे ये किसान उगा के देते हैं। अच्छा, वहीं से आ रहा है ये? 700 महिलाएं हर उगाते हैं। अच्छा, अब अच्छा आप बोलिए आप। 700 महिलाएं हमारे राम विकास खंड रामगढ़ की हर उगाते हैं। अच्छा अच्छा, टेरी भी खरीदता है, अपना भी बना के टेरी अच्छा, देख सकते हैं खरीदता है, आरोही वाले खरीदते हैं, तिलमोड़ा के लिए भी, लेकिन उगाते सारे रामगढ़ ब्लॉक की महिलाएं हैं, अभी खुद भी कर रहे हैं और एनजीओ को भी दे रहे हैं, और बाहर के ये दूध जो है हमारा बेंगलोर भेजता है, दिल्ली भेजता है, जयपुर भेजता है, राजस्थान भेजता है, बॉम्बे भेजता है। अच्छा, और बहुत सारे इनके अपने कस्टमर हैं जो कोरियर से भी ऑनलाइन भी करते हैं, कोरियर से भी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे मिलकर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरेंद्र सिंह है, मैं आपके टेरी के लिए भी प्रोसेसिंग का काम करता हूँ। अच्छा, और भी बहुत सारी, मैंने कम से कम 700 यूनिट उत्तराखंड में जो ऐसी छोटी छोटी यूनिट लगाई हैं, अभी यहाँ पे जो यूनिट को मैंने डेवलप किया है, ट्रेनिंग दी, उनका एक साल का टर्नओवर 10 लाख 12 लाख है, यानी पर हॉलमार्क की है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? हरेंद्र सिंह लोधियाल। लोधियाल जी, वे कौन से गांव से हो आप? मैं भी नथवाखान से। नथवाखान से हो, अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका संदेश हम पूरे YouTube चैनल में फैलाएंगे। ठीक, अभी एक ग्रुप आपको दिखाएं। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं अब ATI राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदर्श महिला कलेक्टर या फाउंडेशन। ये कहां का है? नैनीताल का? अच्छा, यहाँ लिखा दिख नहीं रहा ना। अच्छा अच्छा, तो आंटी जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मुमताज। अच्छा मैम, आपका नाम? जानकी देवी। जानकी देवी जी हैं आप? देवंती बिष्ट। देवंती बिष्ट, मैं भी बिष्ट ही हूँ, अच्छी बात है। तो दोस्तों, देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट भी काफी अच्छा खासा है, कहीं राजमा दिख रही, कहीं चावल दिख रहे हैं, और कहीं आचार दिख रहा है, एक से एक प्रोडक्ट लाए हैं लोग। तो बाकी में इनसे ये देख सकते हैं आप, एक से एक प्रोडक्ट हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती कहाँ आंटी जी? कहाँ पैकिंग होती है इसकी, कहाँ क्या है? अच्छा, ब्लॉक के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। बढ़िया, अगली बार से कार्यक्रम होगा तो इस दर्शक दीर्घा में। मैम आप कहाँ से हैं? कपकोट से हैं? बागेश्वर में तो मेरा ससुराल भी है, चलो अच्छी बात है। वो तो कपकोट का आपका लेफ्ट को हो गया और डुंगरी हो गया, डुंगरी इधर राइट को, डुंगरी, हाँ डुंगरी गांव में जो पिथौरागढ़ वाली लाइन है वहाँ पे। आपका बोर्ड गिर गया, मैं बनाना जा रहा था। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विकास खंड कपकोट जनपद बागेश्वर समृद्धि ग्राम सेंटर ओसो, आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के आए हैं, जहाँ मेरा ससुराल है बागेश्वर में, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था शायद, देख सकते हैं आप इनके प्रोडक्ट एक से एक बढ़कर एक हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, मैम दिखा दो एक बार। ये हल्दी है, देख लीजिए। अच्छा, पहाड़ी चावल है, लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर है। तो दोस्तों, देख सकते हैं एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट हैं। आप कभी चाहते तो इस समूह से कांटेक्ट कर सकते हैं। खुद ही बनाते हो आप? खुद ही बनाते हैं, पैकिंग करते हैं, पैकिंग भी हम लोग ही करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जो सर मेरे को आगे मिले थे, उनको मिला है ये चेक 27,86,238 का, माननीय हमारे CM जो हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, तो स्वयं सहायता समूह के लिए मिला है।
देख सकते हैं आज का चलाने के लिए ठीक हो गया। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं ग्राम पंचायत देवचौरा विकास खंड बागेश्वर, बोर्ड लगा हुआ है आपका हार्दिक स्वागत करता है करके। तो देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट इस प्रकार के हैं, प्रकार प्रकार की धूप मिल रही है यहाँ पे, ये सारा ऑर्गेनिक बता रहे मैम। मैम ये बिस्किट है क्या सामने? ये मुझे की बिस्किट। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम निर्मला मेहता है। निर्मला मेहता जी हैं ये, और आपका नाम? सोनिया गड़िया जी हैं। तो इनके प्रोडक्ट देख सकते हैं आप, सारा ऑर्गेनिक बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छी बात है। यही की जड़ी बूटी से बनी हुई धूप है, अच्छा ये हमारी फार्म में लगती है। अच्छा बनाई है इसमें भी। अच्छा और ये उत्तराखंड की जड़ी। तो इसमें कितने हैं सारे? 12। अच्छा कितने के मिल रहे हैं पूरा पूरा पैक? हाँ और 270 का पैकेट। अच्छा 270 का पैकेट है तो सस्ता पड़ जा रहा है दोस्तों, तो आप भी परचेज कर सकते हैं। हाँ तो बाकी मिलते हैं आपको अगले समूह वालों के पास। थैंक यू सो मच मैम। जनपद पिथौरागढ़ से ये लोग आए हुए हैं, हिम दर्शन कलेक्टर स्त्री संगठन, तो मिलते हैं इनसे भी। नमस्कार भैया। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंचे कार्तिक है, मैं मेरी नाम ब्लॉक से। अच्छा अच्छा मैम आपका? सपना आर्या बेटा ब्लॉक। थैंक यू सो मच भैया। आपका नाम? प्रेम प्रकाश। अच्छा अच्छा तो आपके प्रोडक्ट हैं काफ़ी अच्छे लग रहे, कोई चावल दाल हल्दी, ये किस चीज़ का जूस हुआ? माल्टा का जूस। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप भी दिख रही, देवभूमि करके मुझे लग रहा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है सारा। थैंक यू सो मच, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे CM साहब का तबादला निकल रहा है पूरा, देख सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों। सभी लोग जाते हुए तो दोस्तों मैं पहुंच चुका अपनी गाड़ी के पास, हम निकलते हैं आगे। हाँ बताओ। अरे सर राम 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 राम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप पूरी फौज गेट से बाहर निकलते हुए। लोग वाग जाते हुए अपने अपने घरों को। यह है दूसरा गेट, ये एंट्री गेट हो गया जो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे लोग जाते हुए
सर आप लोग तो यहीं से होंगे लोकल से ना?